जी गुरु जी को अलग आदेश माँ भगवती को अलग आदेश रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश आप सभी को आदेश आदेश सनातन धर्म में बहुत तरीके के ज्ञान वर्धक मंत्र तंत्र यंत्र पुस्तकें, वेद उपनिषद, ये उपलब्ध है लेकिन जो तंत्र विषय है वो हमेशा से दो लोगों के वार्तालाप का विषय रहा जब भी महादेव ने गौरा को रुद्र ने महाकाली को या भैरव ने भैरवी को ज्ञान दिया तो वो तंत्र ज्ञान कहलाया महामाया का ये खेल है कि वो खुद से सब को बनाते हैं फिर सब को भ्रमित करते हैं ताकि उस भ्रम से निकल के वापस उनके पास आ जाए तो उसी तंत्र में बहुत तरह की क्रियाएं होती हैं, जिस जैसे मारन मोहन उच्चाटन विद्वेशन और फिर उसी तंत्र के और भी बहुत सारे भाग होते हैं जैसे भैरव तंत्र, काली तंत्र कामाख्या तंत्र तो आज जो विधि और जो विधान मैं आपको बता रहा हूं ये महादेव और भगवती रुद्र और महाकाली के बीच का वार्तालाप था जिसमें महादेव भगवती को कामाख्या माता की, का वर्णन कर रहे थे तो आप बोलेंगे कि भाई ये तो रुद्र दुर्गा मंत्र कैसे हुआ जब माँ भगवती ने पूछा कि कामाख्या क्या है इसके बारे में आप मुझे बताइए इसमें बहुत लोग सोचते हैं कि जब भगवती ही कामाख्या थी तो जब भगवती काली है जब भगवती जब गौरा ही सब है तो गौरव और शिव संवाद क्यों क्योंकि भगवती के 108 जन्म हुए थे और अंतिम जन्म जो था वो पार्वती के रूप में था तो जो पूर्व जन्म की बातें थी जब शरीर भगवती थी तो फिर उनको महादेव हर बार वो बताते थे उसी क्रम में बहुत सारी तांत्रिक की पुस्तकें बनी बहुत सारी तांत्रिक ग्रंथ बने बहुत सारी व्यवस्थाएं बनी जिसमें कि मैंने आपको कृत्या साधना बताई है भैरव तंत्र बताया ये सब बताता आज उसी कामाख्या के वर्णन में जब महादेव ने बताया कि काली ही कामाख्या है मतलब काली का मतलब क्या होता है महाकाल का मतलब जो हु इज द मास्टर ऑफ टाइम महाकाली का मतलब वन हु रन्स टाइम मतलब महामाया उसको काली बोलते हैं काली मतलब काल से काली और काल भैरव मतलब जो संरक्षण करता है इन चीजों का ठीक है तो काली ही कामाख्या है मतलब माया ही कामाख्या है और उसी वर्णन में दुर्गा का एक मंत्र महादेव ने भगवती को दिया इसमें महादेव ने रुद्र ने ये बताया कि ये मंत्र जो करता है वो मेरे समान हो जाता है मतलब दुर्गा का तो बहुत सारा मंत्र है ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई है ना सबसे ज्यादा बोला जाने वाला मंत्र ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालनी दुर्गा क्षमा नमोस्तुते लेकिन ये एक तीन अक्षर का मंत्र है जिसको पढ़ने से जिसके जाप से आप महादेव के समान हो जाएंगे महादेव के समान का मतलब अवधूत हो जाएंगे ऐसा नहीं लेकिन उस भाव से आप भगवती की पूजा कर पाएंगे उस भाव से आप भगवती को समझ पाएंगे उस भाव से आप भगवती का सम्मान कर पाएंगे सामग्री क्या चाहिए बहुत कम सामग्री चाहिए होती है इसमें लेकिन थोड़ी ज्यादा मात्रा में चाहिए होती है इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए ऐसे महादेव ने जब किसी मंत्र को बोल दिया तो वह सिद्ध होता है लेकिन फिर मनुष्य त्रुटि वचन बौद्धिक भ्रम बौद्धिक क्षमता इन सबको दूर करने के लिए हम लोग पुनः मंत्र को सिद्ध करते हैं किसी भी मंत्र में जब आप ओम लगाते हैं तो वो मंत्र सिद्धि की ओर चला जाता है लेकिन ये हर वर्ण व्यवस्था के लिए अलग अलग होता है ये एक ऐसा मंत्र है जिसमें आप ओम नहीं लगा सकते इसको तीन भाग में महादेव ने बताया था तो, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए रोज आपको 108 जाप करना है तो 108 जाप इसका माला पे नहीं होता है ना रुद्राक्ष पे होगा ना स्पटिक पे होगा इसके लिए आपको लाल फूल 108 रखने होंगे और हर मंत्र के जाप के बाद एक पुष्प भगवती को चढ़ाना होगा भगवती की अगर आप मूर्ति रखें, तो अति उत्तम है मुठ्ठी भर का अष्ट धातु माँ दुर्गा की मूर्ति रखें। जिनके पास वो व्यवस्था नहीं है वो फोटो रखें, लेकिन फोटो के सामने भगवती को एक आसन दे पुष्प के ऊपर कि हे माँ भगवती आपको ये पुष्पासन दे रहा हूं विराजमान होने के लिए उसके बाद बाकी की पूजा उसी आसन पर करें ठीक है वो उस पुष्प की करें तो उसके बाद जो भी पुष्प चढ़ेगा वो उसी पुष्प के ऊपर चढ़ेगा तो घी का दीपक देंगे धूप देंगे लाल फल पांच तरीके का और पांच मिठाइयां देंगे ये जो पांच मिठाइया ये घर पे बने तो अति उत्तम है और जितनी बार आप मंत्र बोलेंगे तो वज्र मुद्रा में वज्र मुद्रा मैंने सिखाया था बीच के जो तीनों उंगली है वो इंटरलॉक हो जाते हैं थम एक दूसरे को टच करता है और जो दोनों लिटिल फिंगर है उससे हम पुष्प उठा करके भगवती को चढ़ाते हैं ठीक है तो इस तरीके से 21 दिन तक 41 दिन तक दोनों का प्रावधान है आप साधना कर सकते हैं जब तक भगवती अपना आभास ना दे 21 दिन में आभास दे तो सिद्ध करना छोड़ देंगे ठीक है मंत्र क्या है बहुत आसान मंत्र है इसमें पहला पुष्प बीज का छेप है मतलब जय शब्द उसके बाद करक बीज है क्रुम क्रुम और फिर दुर्गे का उच्चारण होता है तो मंत्र है जय क्रुम दुर्गे क्या है जय क्रुम दुर्गे इस मंत्र को वो भी कर कर सकते हैं जय क्रुम दुर्गे जिनको असफलताएं बहुत ज्यादा मिल रही हैं, उनको सफलता के लिए अगर कोई मंत्र करना है तो ये तीन अक्षर का मंत्र है ये आपको अपरंपार सफलता दिलाएगा और एक बार इसको कर लेते हैं तो मधु और कारन मिलाकर के दशांश इसका हवन कर लेना है आम की लकड़ी पर बस इतना ही ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा और जीवन भर आपके साथ रहेगा आसान मंत्र जरूर करिए बहुत लाभ होता है ये फर्स्ट हैंड मैंने देखा हुआ है आज के लिए इतना ही जिन्हें बेसिक साधना सीखनी है शुरुआती साधना सीखनी है वो तीन महीने तक हमसे जुड़कर एक पेट साधना ग्रुप से जुड़ सकता है नंबर है नाइन फोर थ्री वन वन एट एट फाइव एट फाइव इसमें जो शुरुआती साधना का व्यवस्था है आसन बंधन ये सब हम बताते हैं इसके अलावा जिन्हें मेरा डेली अपडेट जाना है वो डॉट कॉम पर जा सकते हैं डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कीजिए उसमें रुद्रनाथ एट सी एम फॉर सर्च करिएगा तो आपको मेरी प्रोफाइल मिलेगी आज के लिए इतना ही माँ भगवती महामाया और महारुद्र आप सभी की रक्षा करें ऐसी मेरी प्रार्थना है आप सभी को आदेश आदेश अलग आदेश